आज हम आपको ऐसे सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसकी मदद से आप स्क्रॉलिंग बैंड, एल शेप पैड, ब्रेकिंग विजुअल, इवन आप उसमें इलेक्शन काउंटिंग पैनल भी हमने दिया है उस सॉफ्टवेयर्स में, उसकी मदद से आप इलेक्शन काउंटिंग पैनल भी बना सकते हैं। और ये सब आप कर पाएंगे केवल अपने इस मोबाइल फ़ोन से, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसमें आपको कोई पीसी या लैपटॉप लगाने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा सेटअप नहीं चाहिए, बस आप मोबाइल की मदद से एल शेप पैड और ये इलेक्शन काउंटिंग पैनल और स्क्रॉलिंग बैंड सारा सब कुछ कर पाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, किस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे, क्या प्रोसेस है, सारा सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे आ जाना है। ये हमने प्ले स्टोर यहाँ पे ओपन कर लिया है। प्ले स्टोर पे आने के बाद सर्च वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है एसएन मेकर। जब आप टाइप करेंगे यहाँ पे देखेंगे ये सॉफ्टवेयर है एसएन वीडियो मेकर, ठीक है। एसएन वीडियो मेकर टाइप करने के बाद 4.8 की रेटिंग है, यही आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ठीक। ऑलरेडी इंस्टॉल है हमारा, तो मैं डायरेक्टली इसको ओपन कर लेता हूँ। आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे तो कुछ इसी तरह का पैनल आएगा। सबसे टॉप पे लिखा रहेगा स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, नीचे होगा लॉग इन, हाउ टू यूज एसएन मेकर। अगर आप पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हैं हमारे इस सॉफ्टवेयर पे एसएन मेकर में, तो सबसे पहले आपको हाउ टू यूज एसएन मेकर ये जो बटन है इस पर क्लिक करके पूरा कंप्लीट वीडियो वॉच करना है। उसमें हमने ये प्रोसेस बताया है कि कैसे आप साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद कैसे आपका डेमो प्लान एक्टिवेट होगा, जिसमें आपको जो हमारी ग्राफिक्स हैं वो कैसे इनेबल होंगी, इस सॉफ्टवेयर पे कैसे काम करना है, किस फंक्शन को कब चूज करना है, कैसे वर्क करता है, कैसे इसमें इनपुट देना है, कैसा आउटपुट मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस ट्यूटोरियल में बताया गया है। तो सबसे पहले आपको हाउ टू यूज एसएन मेकर पे क्लिक करके वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, जब आप वीडियो देख चुके हैं उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जब पहली बार इंटरेक्ट करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे साइन अप लिखा हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, हमारा प्लान एक्टिवेट है, ठीक है। ये देखिए हमारा यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्लान नेम 1 ईयर, एक्सपायरी डेट 2025/4/30, सब पूरा सब कुछ दिया हुआ है। आप भी ऐसे जब कोई भी प्लान एक्टिवेट करवाएंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। जब आप साइन अप कर लेंगे, साइन अप करने के तुरंत बाद ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा गेट मोर टेम्पलेट पे जब आप क्लिक करेंगे, चलिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही आप इस पर प्रेस करेंगे कुछ इस तरह का पैनल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि आपको न्यूज़ वीडियो एडिट करना है तो उसके लिए आपको न्यूज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यूज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिखेगा जिसमें लिखा होगा इनेबल इन एसएनएम, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे एक चेक करके ऑप्शन आ जाएगा जिसमें लिखा है ऑन योर टेम्पलेट इज सक्सेसफुली इनेबल ऑन योर आईडी, रिस्टार्ट ऐप एंड चेक इट। इसका मतलब ये है कि सक्सेसफुली जो टेम्पलेट्स हैं वो इनेबल हो गई हैं आपके अकाउंट पे। अब इसको आपको एक बार रिफ्रेश कर लेना है, ठीक है। इसको आप बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद फिर से एप्लीकेशन जब आप खोलेंगे जितनी भी ग्राफिक्स हैं वो आपके अकाउंट में इनेबल हो चुकी हैं, ठीक है। अब आपको सिंपली करना क्या है, स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे दो साइजेस दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है 1280x720, एक दिया हुआ है जो रील फॉर्म होता है 720x1280, ठीक है। जिस भी फॉर्म में आपको अपनी वीडियोस को क्रिएट करना है आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं 1280x720 वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको एक डेमो दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया कुछ इस तरह का पैनल यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको फ्रेम कैटेगरी सिलेक्ट करना है। फ्रेम कैटेगरी जब आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे फ्रेम कैटेगरी जब आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें न्यूज़, हैप्पी न्यू ईयर, 25 दिसंबर, 26 जनवरी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, ईच एंड एवरीथिंग ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको न्यूज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। न्यूज़ वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे अब देखेंगे यहाँ पे आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सबसे लास्ट में आएंगे एक टेम्पलेट आपको दिखेगा इलेक्शन काउंटिंग वाले पैनल पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप मोबाइल की मदद से इलेक्शन काउंटिंग पैनल बना सकते हैं, ये उसी का सेटअप है, ठीक है। इसमें आपको अभी मैं बताता हूँ कि कैसे इनपुट देना है, कैसे वर्क करता है ये। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि आप नंबर ऑफ टोटल सीट, स्टेट नेम, नंबर ऑफ स्टेट सीट, पार्टी नेम, नंबर ऑफ सीट 1, पार्टी नेम 2, यानी कि जितने भी सेक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं इन सारे सेक्शंस को आपको फिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ।
कि जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं इन पे आपको किस तरीके से इनपुट देना है, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन आपका है नंबर ऑफ टोटल सीट। नंबर ऑफ टोटल सीट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टाइप आर पेस्ट का ऑप्शन आएगा। मैं जो भी नंबर यहाँ पे पुट करूँगा वो रैंडमली ले रहा हूँ। आप जब इलेक्शन जब ख़त्म हो जाएंगे, जब इसकी काउंटिंग होगी, तो वहाँ पे जैसे जैसे रुझान आता जाएगा, जैसे जैसे मतगणना होती जाएगी, वैसे वैसे ही आपको वहाँ पे फिल करना है, ठीक। अभी के लिए मैं रेंडमली कोई भी नंबर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन देखिए है नंबर ऑफ टोटल सीट। अब नंबर ऑफ टोटल सीट में आपको ऐसे लिखना है 450 by 500, मतलब जितनी भी टोटल सीट हो उसमें जितने सीट्स का रुझान आ गया है वो आप लिखेंगे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ टोटल सीट, ठीक है। इसको ऐड करना है, क्लोज कर देना है, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो ये पेंसिल वाला आइकन दिया गया है स्क्रीन पे, यहाँ पे भी क्लिक करके आप डायरेक्टली इनपुट दे सकते हैं। अब यहाँ पे अपने स्टेट का आप नाम सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। स्टेट का जब नाम सेलेक्ट करेंगे तो इसमें भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, इसमें भी आप रेंडमली सेलेक्ट कर लीजिए 50 by 80, ठीक है। ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब नंबर आप टोटल सीट, इसको एक बार देख लीजिए आप, नंबर आप टोटल सीट, नंबर आप टोटल सीट सेलेक्ट करने के बाद स्टेट नेम पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने स्टेट का आपको नाम डालना है। अभी के लिए मैं यूपी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब यूपी में जितनी भी सीट्स हैं और उन सीटों में जितनी सीट पे रुझान आ गया है वो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ 70 by 80, ठीक है। इसको यहाँ से ऐड कर दिया। उसके बाद पार्टी का नेम डालना है। पार्टी का नेम मैं यहाँ से डाल दे रहा हूँ BJP, आपके वहाँ जो भी पार्टी हो, ठीक है। नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ सीट यहाँ पे डाल दीजिए 40, कोई सा भी नंबर मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अब पार्टी नेम 2 में डाल दे रहा हूँ सपा, इसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ सीट यानी कि जो दो नंबर की पार्टी है यानी सपा, उसकी कितनी क्या सीटें हैं वो आपको यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। ये हो गया। अब पार्टी नेम 3 में आप पार्टी को डाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी भी सीट में यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दे रहा हूँ, कितनी इनकी सीटें हैं जिस पे रुझान आ गया है। अब अदर वाले में आपको अदर टाइप करना है, ठीक है। अब इसकी भी सीट आपको बतानी है कि कितनी सीटें हैं अदर की, ठीक है। 5 डाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये सारे फिल हो गए हैं, जितने पे ग्रीन हो जाएगा वो ऑप्शन फिल हो गए हैं। अब NDA सीट पे आपको क्या करना है, अब NDA की जो सीट है उसकी वैल्यू आपको पुट करना है यहाँ पे। तो इसमें आप रेंडमली जितनी भी सीट पे रुझान आ गया NDA में जो रिजल्ट्स आ गए हैं वो आपको यहाँ पे पुट करना है। मैं 10 पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह आपको इंडिया में भरना है, ठीक है। इसमें भी मैं 10 कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्लोज कर दिया इसको। अदर सीट में 2 कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये अब यहाँ पे आपको करना क्या है, एक आपको टिकर लिखना है, ठीक है। टिकर में जो नीचे वाली पट्टी होती है उसमें आपको यहाँ से टिकर लिखना है। टिकर आप टाइप भी कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ के लिए भी टाइप कर दे रहा हूँ, सभी सीटों पर रुझान बहुत जल्दी आएंगे। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई सी भी आप ब्रेकिंग न्यूज़ लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे जो वीडियो वाला ऑप्शन है इसमें आपको एक वीडियो पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली पेंसिल पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, अंदर से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे मैं अभी के लिए एक वीडियो ले ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो वीडियो वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। चाहे आप अंदर वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करें या फिर आप वहाँ पर जो पेंसिल बनी हुई है उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। वहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप प्ले कर सकते हैं। इसको आप
क्रॉप कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद अगर आपके पास बैकग्राउंड म्यूजिक है तो बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पे आप ऐड फाइल पे क्लिक करके अटैच कर सकते हैं। देख सकते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक है, इसको मैं अटैच कर देता हूँ। बैकग्राउंड म्यूजिक अटैच करते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो आपकी निजी म्यूजिक हो, मतलब खुद की म्यूजिक हो, अदरवाइज आपको कॉपीराइट आएगा। ठीक है, इसको यहाँ से ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको लोगो की सेटिंग, एल बैंड ऐड और नीचे की जो स्क्रॉलिंग पट्टी होती है, तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें से ये लोगो वाले ऑप्शन पे यहाँ पे देख सकते हैं ऐड लोगो। इसमें आपको GIF फाइल, PNG, JPG सभी तरीके की फाइल सपोर्ट करेंगी। ठीक है, और नीचे आपका जो स्क्रॉल वाला है, यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट डालेंगे आपका स्क्रॉल चलता रहेगा। इसको आप स्पीड को मैनेज कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एल बैंड ऐड भी आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, मतलब जो एक न्यूज़ बनाने में सारे ऑप्शन होने चाहिए वो सभी आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। एसएन मेकर एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, अभी इसका मैं आपको आउटपुट भी दिखाऊंगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ से सारा इनपुट देने के बाद एक्सपोर्ट वीडियो पे क्लिक कर देना है, और एक्सपोर्ट वीडियो पे जब क्लिक करेंगे तो ये वीडियो रेंडर पे आ जाएगा, रेंडरिंग मोड में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है प्लीज़ डू नॉट लॉक द स्क्रीन आर लीव द ऐप, मतलब इसको लॉक नहीं करना है, छोड़ के भी नहीं जाना है, बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है। जैसे ये वीडियो आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी आप इसको देख पाएंगे कि कितने बेहतरीन वे में आपने जो इनपुट दिया था आपका इलेक्शन काउंटिंग पैनल का, पूरा बन के रेडी हो गया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो हमारी एक्सपोर्ट हो रही है। जब तक ये वीडियो हमारी एक्सपोर्ट हो रही है, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम न्यूज एडिटिंग रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं और अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स की जानकारी देते हैं, तो चैनल को हमारे ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे प्रोवाइड करें आपसे मिस ना हो, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले। अब ये आपकी वीडियो बनके रेडी हो गई है, अब इसका मैं आपको फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ कि ये वीडियो कैसे दिखेगी। सिंपली इसको प्ले करना है। ठीक है, ये इसको यहाँ से आप बढ़ा लीजिए। ठीक है, ये देखिए कि इस तरीके का आउटपुट आपका दिखेगा। इसके लिए आपको कोई PC या कंप्यूटर या लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है, अपने मोबाइल से ही SN Maker ऐप की मदद से आप इस तरीके की न्यूज़ बना सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को हमारे लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बने रहें चैनल पे। धन्यवाद।